नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने हैं टाटा पावर सॉरी टाटा मोटर्स स्टॉक के बारे में। और इस स्टॉक में एक बड़ी अपडेट जो है बड़ी अपडेट बंगाल से आते हुए दिखा है और खबर पॉजिटिव है। सिंगूर प्लांट का खबर है जहां आर्बिट्रल विनिंग हुई है इस स्टॉक की और 2 नवंबर को क्वार्टरली रिजल्ट आने हैं। तो सभी पॉइंट्स को काफी सिंपल वे में समझे। इससे पहले देखें तो पिछले 1 मंथ में फ्लैट ट्रेंड दिख रहा है जहां लोअर लेवल के जो भी बायर होंगे उन्होंने थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट तो करा होगा। अगर उन्होंने होल्ड करा तो यहां अगेन देखेंगे बाइंग प्राइस पे ही आते हुए दिखा है। हालांकि 6 मंथ और 1 ईयर के रिटर्न पॉजिटिव रहे हैं। इस समय एक बड़ी खबर यहाँ देखेंगे कि टाटा मोटर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल रूल्स इन फेवर ऑफ टाटा मोटर्स विद रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम टू सिंगूर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। द ट्रिब्यूनल आस्क्ड WBID वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को कहा है 766 करोड़ पेमेंट करने के लिए, 7766 करोड़ और साथ में 11% का इंटरेस्ट। ये खबर जो है सिंगूर प्लांट वेस्ट बंगाल के अंदर से आते हुए दिखा। यहाँ देखेंगे आर्बिट्रल, यहाँ देखेंगे कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आस्क्ड वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टू पे 6766 करोड़ प्लस 11% इंटरेस्ट। इसको थोड़ा मैं ब्रीफली में समझा दूं तो यहां देखेंगे और फाइनेंशियल इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज है। यहां देखेंगे सिंगूर प्लांट ट्रिब्यूनल आस्क वेस्ट बंगाल टू पे टाटा मोटर 766 करोड़। और यहां देखेंगे जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है उसने वेस्ट बंगाल को कहा है जो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है 766 करोड़ और 11% इंटरेस्ट पे करने के लिए। यहां देखेंगे तो 766 करोड़ के साथ 11% इंटरेस्ट पे करने के लिए। और ये खबर यहाँ नैनो गाड़ी टाटा मोटर्स बनाती थी। द क्लेमेंट टाटा मोटर्स लिमिटेड हैज आल्सो हेल्ड द एंटाइटल टू रिकवर फ्रॉम द रिस्पोंडेंट अ सम ऑफ 1 करोड़ टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग विद द मेकिंग टू द फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड एज मेंशन्ड अबव। ये 1 करोड़ और मांग रहा है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग हैड टू कम। यहां देखेंगे टाटा मोटर्स हैड टू शिफ्ट इट्स प्लान टू प्रोड्यूस द नैनो स्मॉल कार फ्रॉम सिंगूर इन वेस्ट बंगाल टू सानिंद इन गुजरात 2008 में ही टू अ लैंड राव। और उसके बाद देखेंगे द टाटा हैड ऑलरेडी पुट इन 1000 करोड़ इन सिंगूर। टाटा मोटर्स लिमिटेड क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम वेस्ट बंगाल जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। और यहाँ ये आर्बिट्रल विनिंग स्टॉक को रहा है जिसमें हमने क्या देखा 766 करोड़ और प्लस 11% के इंटरेस्ट मिलेगी। तो खबर पॉजिटिव है, 2 नवंबर को क्वार्टरली नंबर्स आने हैं। लेकिन इस बीच में देखें, पहले यहाँ देखेंगे तो जो ऑटो इंडस्ट्री है वो निगेटिव ट्रेड कर रहा है। यहाँ देखेंगे टाटा मोटर्स 2% के निगेटिव में है, M&M 1% के निगेटिव में है, बजाज ऑटो 1%, आइचर मोटर्स, हीरो मोटर्स, मारुति, तो सभी ऑटो स्टॉक जो है आज आपको निगेटिव में ट्रेड होते हुए दिखा है। एक बार ऑटो सेक्टर के चार्ट को देखेंगे। यहाँ अगर ऑटो सेक्टर के चार्ट को हम ओवरऑल देखते हैं तो काफी लोअर लेवल से हमने पहले भी दिखाया कि ये ट्रेंड जो है हायर हाई हायर लो ट्रेंड दिखा जिसको कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कहते हैं। मैं मानता हूं कि एक 5-6% का करेक्शन इंडेड है, यहां एक करेक्शन का वेट करें या फिर 37600 के ऊपर का ब्रेकआउट करें मोमेंटम के लिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर यहां थोड़ा कॉशन बरतेंगे, एक डाउन ट्रेंड का वेट करेंगे और निवेशक को तो करना ही चाहिए, वो मैं आपको टाटा मोटर्स पे दिखाता हूं। क्योंकि 6% के करेक्शन में टाटा मोटर्स में नहीं, ओवरऑल जो ऑटो इंडाइसेस है उसमें कर रहा हूं। और यहां 600 एक मेजर सपोर्ट है, 600 के ब्रेकडाउन पे ये 520 और 60 के लेवल्स दिखेंगे जो कि एक बेस्ट वैल्यू बाइंग जोन होने वाला है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो या तो इस स्टॉक में 660 के ऊपर मोमेंटम लेंगे जहां 684, 720 और 800 तक के लेवल्स आएंगे, या फिर एक वैल्यू बाइंग जोन 520-60 का वेट करें। मुझे लगता है कि ये जो जोन है ये बिल्कुल नो ट्रेडिंग जोन है। एक बार आपको इसके डाउन ट्रेंड 600 के नीचे के वैल्यू बाइंग जोन का वेट करना चाहिए।